नारे ठीक वारे सर, को लगे तुम धन्यवाद। तो। ठीक है, हाँ सर, आप आए हैं सुबह के, क्या क्या कार्रवाई कर दी गई है अभी? भाई ये जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना हुई है, और मैंने शाम को भी प्रिंसिपल साहब से मैंने फोन पर मालूम कर लिया, मैंने कह दिया सुबह गांव वाले बुला लो, मैं 8 बजे मॉर्निंग स्कूल में पहुंच रहा हूँ। मैंने तुरंत पहुंच करके आप लोगों से पूछा, टीचरों से पूछा, प्रिंसिपल से पूछा, इनसे पर लिखित में भी मैंने बयान लिए, और इसकी गंभीरता से इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और निश्चित रूप से थोड़ी समय में आज ही डेट में शायद ये शिक्षक एपी हो जाएंगे। नहीं तो ये जो शिक्षक है, ये शिक्षक पहले से भी ऐसे ही बदमाश करते आ रहा है, इसकी रिपोर्ट इनको प्रिंसिपल साहब को पहले से करनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। मैंने इनसे भी कहा, इनसे लिखित में पूछा है, मैंने कारण बताऊं नोटिस में, कि यदि पहले से ऐसा व्यवहार रहा है तो आपने अब तक क्या कार्रवाई की? तो एक मैडम के साथ और अभद्रता की गई है, थप्पड़ भी दिए गए, और बच्चों के भी मेरे पास में वर्जन है, उन बच्चों का कहना है कपड़े फाड़े गए और बेल्ट से मारा गया, तो क्या ये हकीकत है या कहां तक आपको इसमें? अब ये तो इन्होंने जो बयान दिया उसके आधार पर ही कार्रवाई होगी, और ऐसा है तो ये मुलजिम इनको आगे कल ही कार्रवाई कर देनी चाहिए थी इस विषय में, बाकी अब विभागीय कार्रवाई तो गंभीरता से होगी इनके साथ। एक दूसरी बात यह है कि स्कूल में लिख रखा है आज की तारीख में 130 बच्चों को खाना बना हुआ है, खाने को भी हम देख के आए, और मात्र ही 22 बच्चे खाने के लिए बैठे हैं, भोजन 130 के लिए लिख रखा है, तो बैठे 22 है, तो क्या इसमें भी थोड़ा आप देख के कारण इस प्रकार की बात है तो मैं प्रिंसिपल से आज भी पूछ लेता हूँ, मैं भी बात करता हूँ, बिल्कुल प्रिंसिपल साहब बुला लो, बुलाओ प्रिंसिपल साहब को। सर मैं बात करूँगा प्रिंसिपल साहब अभी बता रहे हैं कि भाई स्कूल में 22 बच्चे भोजन कर रहे हैं और खाना 300 का बना है, 130 का सर जितना होते हैं वो बच्चे उसके हिसाब से बनाते हैं। नहीं तो आपने लिख रखा है 130 बच्चों, वो तो नहीं है, लेकिन आप भरते कितने हो? 130 भरे हुए हैं ना आज। कौन से दिन आपने बच्चे 50 अंडर 50 के भरे हैं वो बता सकते हो आप? रजिस्टर का आप क्या देख रहे हो फिर उसमें? तो आज 130 की कैसे कह रहे हो? 130 का कैसे देखा है तभी तो कहा है, पूछा है ना हमने। एक मिनट सर, आप क्या देख रहे हो फिर इसमें? रजिस्टर रूम की जो उपस्थिति, यहाँ का जिम्मेदार आदमी कौन है? यहाँ पर अगर ऊंची छोटी उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जी सर देखते थोड़ी कोर्स की क्या पोजीशन है आपकी? सर बटारे जुलाई अगस्त 2 महीने निकल गए, 10% कोर्स नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सर कुछ तो किताबें नहीं आई जितनी है जिनमें से पढ़ा रहे हैं। किताब क्यों नहीं आई? पुरानी वो पहली बार सर किताब क्यों नहीं आई? आपने किस स्टाफ से आपने डायरी में, डेली डायरी में, दैनिक दैनंदिनी में आपने किस लिखित में लिया है कि आपने कल क्या पढ़ा है, आज क्या पढ़ा है? डायरी आपके साइन नहीं है उसमें? कुछ में है कुछ में नहीं है सर, कुछ रह गए तो मैं क्यों रह गए सर? रोजाना होते साइन। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये स्कूल है गरीबों का स्कूल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक प्राइवेट टीचर 10,000 का होता है, वो नवंबर में कोर्स करा देता है सर, सुनिए मेरी बात को। और आपका यहाँ पर 365 दिन में से 210 दिन स्कूल चलने के बाद में नवंबर दिसंबर तक 10th का कोर्स 100% होने की बजाय 60% नहीं होता है, इसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होती है। आप अपने स्टाफ वालों को कोऑपरेट करते हो, अच्छी बात है, कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन बच्चों के हित के साथ में अगर खिलवाड़ किया जाएगा उसकी जिम्मेदारी आपकी। नहीं सर कोई नहीं होगा, मैं देखूंगा वो चीज़ जो कमी होगी। आप नहीं देख रहे हो, एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत ही नहीं है, 1 घंटे का पीरियड है, आप 5 मिनट 15 मिनट पानी पीने में निकाल रहे हैं, 5 मिनट चाय पीने में निकलवा रहे हैं, 15 मिनट आप अपने पास बिठा रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं सर ऐसी कोई नहीं है, वो कमियाँ भी दूर करेंगे समस्या। कब कमियाँ दूर होंगी? सर मैं अभी लेता हूँ। मैं आपसे, आपका नामांकन कितना है बच्चों का? 187 है सर। 187 में से ऐसा कोई बच्चा है जिसके माँ बाप करोड़पति हों? नहीं सर, गरीब बच्चे तो जैसे मैं मानता हूँ। आपके मैं स्कूल का पेमेंट कितना उड़ा रहा है एक महीने का? अलग अलग कर्मचारी का अलग अलग, कम से कम लगभग गवर्नमेंट से कितना फंड आ रहा है? कई कर्मचारी 60,000 के, कोई 17,000, कम से कम 6 लाख, 6 लाख में प्राइवेट 6 स्कूल चल जाए और आपसे अच्छा रिजल्ट दे दें मैं, क्यों? आप इतने पीछे क्यों इन सब बातों को लेकर? आपको पता है कि वो इतने दिन से शराब पी के आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर आज ही कल ही क्यों हुआ? ये शिक्षक दिवस के दिन क्यों हुआ? ये ऐसे ऐसा नहीं है, लेवल 2 की लेडी पढ़ा रही है आपकी 10th क्लास को, गणित विज्ञान का खाली है, उसके लिए लिख दिया अधिकारियों को, लग जाएंगे। क्या राजस्थान में शिक्षकों की कमी है? जब यहाँ भी लगाने के लिए कहा है, हमारे पावर में जितना है जब यही कर सकते। आपके 10th क्लास का लेवल देखा मैंने, 8th क्लास का देखा आपका, प्रेजेंट में फिर 10th की फर्स्ट फॉर्म हिंदी पहचान नहीं आ रही है, और आपने 5 चैप्टर उसके पूरे करा दिए, 10th में फूट विदाउट प्रिंट का 6 पार्ट हो गए, बच्चों को 1 मीनिंग याद नहीं है, आप क्या देख रहे हो?
बच्चे कमजोर है, घर वालों को नोटिस निकालिए, गार्जियन मीटिंग लीजिए हर 15 दिन। एसडीएमसी की मीटिंग कब की हुई है? गाँव के लोग जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारों की कमेटी बनाइए, 15 दिन में आप गाँव वालों को बुलाइए। अगर आपको गाँव वाले परेशान करते हो उसकी शिकायत आप आगे करिए। ये सब चीजें कब तक कार्रवाई हो जाएगी? साहब भी यही है तो आप ये सब चीज सहयोग नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। कार्रवाई आज बैठ के जो आए ना उस बैठ के आप स्टाफ की मीटिंग कितने दिन में लेते हैं ईमानदारी से बताइए, भगवान की कसम खा के कीजिए। आपने स्टाफ को कब बिठा के कहा कि मेरे बच्चों का क्या है? बच्चे आपके हैं, इनके किसी का बच्चा नहीं है। 7 बजे बच्चा एंट्री हो गया, उसके जिम्मेदार आप हो। 12 बजे 1 बजे तक माँ बाप आप हो। इनका हित अहित आपके हाथ में, घर पहुँच के उसके बाद में हो। जवाब तो दीजिए सर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। नहीं, आप स्टाफ में बैठ के कब सड़ाके लगाते हो? पढ़ाई के लेवल पर कब बात की आपने? नहीं सर, चर्चा होती है, कितने कोर्स हो गए, समस्या है आप बताइए मुझे। साइंस में, टेंथ में साइंस में आप एज ए प्रिंसिपल मुझे बताइए, हिंदी में एक पार्ट हो गए हैं 8वीं क्लास में, आप बताओगे? नो टीचर बताओ नहीं, ये तो आप लोगे रिपोर्ट। तो अब मैं आपसे बात करूं, मैं मंगलम मेरिट पॉइंट प्राइवेट स्कूल और संभालता हूं। कौन सी क्लास में कौन सा बच्चा एब्सेंट है प्रेजेंट है यहां से बताऊं आपको? किस टीचर ने आप क्या पढ़ाया मैं बताऊं आपको? किस टीचर ने पानी की क्या सुविधाएं हैं तुम्हारे पास? पानी का टैंकर है। टैंकर तो साहब ने गंदा पढ़ा हुआ, पानी नहीं आ रहा है। जो चीजें हैं आज जो मुद्दा हुआ है ये कोई मुद्दा खास नहीं होता है, ये तो कार्रवाई हो जाएगी, गवर्नमेंट कार्रवाई। आएंगे जाएंगे टीचर, एपीओ भी होंगे, पीओ भी होंगे, लाइन हाजिर भी होंगे, वो तो चलता रहता है। लेकिन मेन जो मुद्दा है आपका शिक्षा पे ध्यान देना है जी सर। आप बैठ के अभी चर्चा करें, कोई कमी होगी चलो ठीक है।